हेलो हाय नमस्ते सलाम, कैसे हैं दोस्तों आप। और नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि पे पूरे धूमधाम से भारतवर्ष में माँ नवदुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ख़ास तौर पे पूरे भारतवर्ष में देवियों की पूजा बड़े ही कह सकते हैं आस्था विश्वास भक्ति भावना के साथ की जाती है। अब सोचिए बॉलीवुड एक्टर अगर इन त्योहारों का कुछ प्रकार से आनंद मनाए तो किस प्रकार से मनाएंगे। देखिए अगर राजकुमार जी कहते हैं तो क्या कहेंगे। बॉलीवुड के माने जाने राजकुमार जब अपनी आवाज़ से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं सुनिएगा। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और नवरात्रि का त्यौहार हम मनाएंगे बड़े ही मिलजुल कर और प्यार से। और जानिए और नवरात्रि पे आप सभी लोगों को माता रानी आशीर्वाद दें और आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें। और वहीं से अगर प्राण साहब आए तो वो क्या कहते हैं। वाह बरकरार, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और नवरात्रि के त्यौहार में हम 9 दिन का व्रत रखते हैं और इन 9 दिनों पे हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और माता रानी के चरणों में हम वंदना करते हैं। माता रानी सभी को खुशहाल रखें। और उसके बाद अगर आते हैं अजय देवगन साहब तो वो क्या कहते हैं। हाँ बेटो अपनों ने लूटा गेरों में का डब था, हाँ बेटो अपनों ने लूटा गेरों में का डब था, लेकिन हम वही जाते हैं जहाँ माता रानी की कृपा होती है और माता रानी के चरणों में हम शीश उगाते हैं और यही कामना करते हैं माता रानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में सफलता मिले। और हम नवरात्रि पे हर जगह जाते हैं, लोगों का प्यार भी पाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में माता रानी की बहुत पूजा होती है और हम भी पूजा करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। और इनके बाद अगर आते हैं कौन, इनके बाद आते हैं धर्मेंद्र साहब, वो क्या कहते हैं। माता रानी की जय हो, बोले दुर्गा माई की जय। और भक्तों माता रानी के दरबार में आप अर्जी लगाने जरूर जाया करें क्योंकि माता रानी ही आपके जीवन में आपका साथ देती हैं। जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ कसम मैंने अपने माता रानी को हमेशा याद किया है और उनकी पूजा भी की है। और उसके बाद सनी देओल आते हैं, वो क्या कहते हैं। ओए पापा जी, आप माता रानी के चरणों में दर्शन करने जाते हैं लेकिन एक बात आप भूल जाते हैं, माता रानी के दरबार में जाने वाले कभी शराब नहीं पीते और आपकी शराब नहीं छोड़ती है। आप अपना शराब पीना बंद कर दो, माता रानी आप पे कृपा करना शुरू कर देंगी। और आप तो अब फार्म हाउस में अपने कहीं कद्दू उगाते हो, कहीं लौकी उगाते हो, कभी माता रानी के चरणों में भी ये प्रसाद चढ़ा दिया करो। और उसके बाद आते हैं एक ऐसे कलाकार जो कि बहुत ही खतरनाक डायलॉग डिलीवरी है उनकी, नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और ये जो लोग 5 मछलियाँ खाते हैं 9 दिन के लिए छोड़ देंगे और 10वें दिन फिर दारू दे मुर्गा फिर शुरू कर देंगे। अरे छोड़ना ही है तो सब दिन के लिए छोड़ो, एक दिन के लिए नहीं, वरना तुम्हारी भक्ति भावने में क्या, 9 दिन छोड़ दे तो क्या। अरे छोड़ना है तो पूरे दिन के लिए छोड़ो, सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं। तो कुछ इस प्रकार से ये सभी साथी कलाकार जिन्होंने अपनी अपनी आवाज में नवरात्रि विश की है। तो दोस्तों नवरात्रि पे हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप माता रानी के सेवा करने के साथ साथ जो भी असहाय व्यक्ति मिले उसकी मदद करना और भक्ति भावना के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि कोई भूखा ना सोए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।